नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे, यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व, जिसके अंदर एक पार्ट पहले हम लोग कर चुके हैं और आज ये दूसरा पार्ट रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं ये इस टॉपिक का आखिरी पार्ट रहेगा, यानी इस दो क्लास के अंदर है जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश की है। और ये क्लास भी आपके एक से डेढ़ घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के सेशन को शुरू करते हैं। और नीति निदेशक तत्व के अंदर अगर बात करें तो कल तक हम लोगों ने जो कि यानी अनुच्छेद 43 को पढ़ लिया था, अनुच्छेद 43 यानी जो जीवन निर्वाह मजदूरी व अन्य उपबंध की बात करता है, और उसके अंदर दो उपक्लोज और भी है, हम कह सकते हैं 43 ए जो दोनों है जो कि बाद में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा है जो कि अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया था, जो बात करता है उद्योगों के प्रबंधन मंडल में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सुनिश्चित कोई व्यक्ति हो, हम कह सकते हैं, ठीक है। और 43 बी बात करता है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम आज शुरू करते हैं अनुच्छेद 44 से, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 जो है वो किसके बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ से पहले क्या करना है आपको, समझने की कोशिश करनी है, जो भी लिखा है जिसके बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको एक बार आपको समझना है, उसके बाद में लिखना है, ठीक है। देखो अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता, किस प्रकार की नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान रूप से लागू किया जाना, ठीक है। अब इसमें हम बात करें, पहला बिंदु आता है कि समान नागरिक संहिता जो है वह सभी नागरिकों के लिए एक जैसे सामाजिक, यानी समाज में हम कह सकते हैं किसी प्रकार की किसी अलग समान में समाज में कोई कुरीति वगैरह इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, राज्य के मुताबिक। और धार्मिक के रूप में भी अगर बात करें, धार्मिक दृष्टि से भी सभी के समान नियम बनाए जाने चाहिए। और भारत का एकमात्र राज्य जो हम बात कर रहे थे, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, बाकी अन्य किसी भी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो चुकी है, ठीक है, नहीं हुई है अभी तक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, यानी जैसे हिंदू मुस्लिम धर्मों की बात करें सब में समान नागरिक संहिता के रूप में है जो कि काम होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कि एक केस आता है इसमें, धार्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो सबानो बनाम भारत संघवाद, ये 1985 का है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार कब का केस है सबानो, ये भारत में कब आया था, भारत में किस प्रकार से आया था, ये सबानो 1985 का वाद है। ये एक महिला थी, मुस्लिम महिला, इनके पति थे जिनका नाम था अहमद खान, इनके पति का नाम क्या था, अहमद खान, ये केवल समझने की कोशिश करें, ठीक है आप। तो सबानो जो ये एक वाद था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा गया, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये 60 वर्ष की एक महिला थी, कितने वर्ष की, 60 वर्ष की, इसके 5 बच्चे थे, ये महिला थी इंदौर की। तो हुआ क्या था कि अहमद खान जो है इसके पति, इन्होंने इनको तलाक दे दिया था, क्या दे दिया था दोस्तों, इन्होंने सबाना को जो है सबाना को तलाक दे दिया और इन्होंने कर ली दूसरी शादी। अब उस टाइम क्या सिस्टम था, यानी फिर ये जाती है कोर्ट में और कोर्ट ने हम कह सकते हैं फैसला दिया था
कि ये इसको गुजारा बता देगा, है ना। क्या करेगा? गुजारा बता देगा। अब 60 वर्ष में ये क्या, ये इन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, बल्कि ये 60 वर्ष की इसकी उम्र में है, जो कि इनके पास इनके 5 बच्चे भी थे, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये कोर्ट में जाती है, और ये क्या करता है, मतलब इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, फिर क्या करता है उस टाइम, ये गुजारा भत्ता 1985 की बात है, तो इसके इस समय के अंदर आपके 70-80 रुपये देता था, ये कितने, 70-80 रुपये कुछ टाइम तो दिए। और उसके बाद में जब इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो इनके भी बच्चे वगैरह हो गए, और ये फिर पैसा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने जो गुजारा भत्ता देना बंद कर दिया था। फिर क्या करती है, साहबानो जो कोर्ट में जाती है, और उसके बाद में कोर्ट ने जो ये इस वाद को है, जो कि हम कह सकते हैं, इस पे फैसला दिया कि मुस्लिम जो पुरुष है वो अपनी पत्नी को जो तलाक देता है तो उसको गुजारा भत्ता देना होगा। उसके बाद में राजीव गांधी की जो सरकार थी, तो राजीव गांधी की सरकार में जो सीआरपीसी की धारा थी 125, उसके अंदर संशोधन किया गया, उसके अंदर करेक्शन किया गया, और कहा गया कि मुस्लिम जो पुरुष है वो अगर अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उनको गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। और इस बात से मुस्लिम जो पुरुष है वो हो गए राजी, और हम कह सकते हैं हिंदू पुरुष नाराज हो गए कि भाई हमारे अकेले से क्यों ले रहे हो। फिर एक तरह से हम कैसे सकते हैं कि ये मन मुटाव हो गया कि भाई एक तरफ नाराजगी और एक तरफ ठीक है खुशी। तो फिर उस टाइम क्या किया गया कि अब इनको भी किसी ने कहा कि हिंदुओं को अगर खुश करना है तो राजीव गांधी को कहा गया, उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे, कि आप अयोध्या में राम की पूजा सर्व करवा दो और हिंदू राजी हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या में सबसे पहले जो राम की जो पूजा है, तब तक किसी को पता ही नहीं था, ठीक है, तो राम की पूजा जो है वो सबसे पहले किनके द्वारा की गई वहाँ पे अयोध्या में, सबसे पहले राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? राजीव गांधी के द्वारा की गई। फिर बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात आती है कि साहबानो जो 1985 के बाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजारा भत्ता देना होगा मुस्लिम पुरुष को अगर वो तलाक देता है तो। फिर सीआरपीसी की धारा 125 में, यानी राजीव गांधी के समय में इन्होंने कहा कि इसमें करेक्शन कर दो और गुजारा भत्ता नहीं देना होगा, ठीक है। फिर बात आती है, इसके बाद में एक केस और आता है, मुस्लिम महिला आती है, इसमें 2017 का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये वो केस लड़ती है, कहने का मतलब है, जो कि एक वाद होता है। तो साहिरा बानो केस 2017, इसमें है जो कि 3 तलाक को है जो कि आपके अवैध घोषित कर दिया कि ये वैध नहीं है। तो इसमें जो है साहिरा बानो, एक हो गया साह बानो, एक है साहिरा बानो 2017 का वाद है, ठीक है। इसमें 3 तलाक को जो है, तलाक को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, यानी गैर कानूनी है ये अवैध, ठीक है। और अगर कोई तलाक देता है तो उसको गुजारा भत्ता देना होगा, अगर तलाक देता है तो उसको गुजारा भत्ता देना होगा। अब एक बात हम समझने की कोशिश करें कि जो तलाक है वो कितने प्रकार की होती है। देखो एक बार हम समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो तलाक जो है उनका 3 प्रकार हुआ करता था, कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला कौन सा हो जाएगा, तलाक ए हसन, और दूसरा हो जाएगा इसके बाद में आई तलाक ए हसन, फिर तीसरी थी तलाक ए विद्दत, तलाक ए विद्दत,
ठीक है। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो इसमें जो है ये जो है इसमें 30-30 दिन का गैप रखा गया। जैसे 30 दिन के बाद में यहाँ पे उनको बुलाया गया और कहा गया कि तलाक, फिर 30 दिन बाद में फिर पूछा गया। इसमें भी अगर वो क्या पता किसी का मन बदल जाए, इसमें भी अगर कहता है तलाक और फिर और कहता है 30 दिन बाद में, तो यहाँ पे अगर 90वां दिन है ना, यानी 3 बार का मतलब हम कह सकते हैं कि उनसे उनको बुलाया जाता है कि हाँ आप तलाक चाहते हैं कि हाँ तलाक चाहते हैं। 30 दिन बाद में 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन बाद यानी महीने भर और कि हाँ तलाक चाहते हैं, फिर और 30 दिन बाद में कि हाँ तलाक चाहते हैं, तो इसलिए फिर उनकी तलाक हो जाती है। फिर तलाक ए हसन जो है इसमें पहली बार बुलाया जाता है कि हाँ तलाक चाहते हैं, इसके बाद में सीधा 90 दिन बाद में तलाक हो जाती है। तो इसमें क्या है कि दिन उतना ही है, टाइम समय उतना ही लगा है, लेकिन बुलाया बार बार नहीं गया, एक बार में काम हो गया ना। पहले यहाँ पे कहा गया 90 दिन पहले कि हाँ तलाक चाहते हैं और 90 दिन बाद में है जो कि उनकी तलाक हो जाती है। फिर ये आई थी, ये है आपके असली ट्रिपल तलाक। कौन सी है? ट्रिपल तलाक। इसमें एक टाइम में ही उसी टाइम 3 बार क्या कहा जाता, तलाक 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 3 बार। इसमें 3 बार कहा गया तलाक 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 और वो हो जाता है तलाक, ठीक है। फिर सायरा बानो केस के बाद में इस पे है जो कि इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी यह अवैध माना गया। और अब ये तो नहीं है, बल्कि ये 2 चल रही है अभी, लेकिन कम हो गई धीरे धीरे ना, तो इसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं। और धीरे धीरे तो ऐसा मामला आ गया था कि कोई व्हाट्सएप पे भी अगर मैसेज भी कह रहा ना तलाक 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 तो वो तलाक हो जाता था। कोई व्हाट्सएप तो यूज करता ही है, फेसबुक नहीं करता है तो व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नहीं करता, टेक्स्ट मैसेज डाल देता है कि 3 बार तलाक तलाक तलाक। इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था, आम हो गया था। और आपको पता है कि वैसे हम धर्म किसी के नहीं का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अब वो जो साबानो केस था उसमें 60 साल की महिला को छोड़ करके उनके पास में 5 बच्चे भी थे, फिर भी उन्होंने है जो कि अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। मानो अब 60 साल के महिला थे तो वो भी कम से कम उनसे ज़्यादा ही होंगे उम्र में, चलो 60 के मान लो, फिर भी दूसरी शादी कर ली। इसलिए ये थोड़ा आम हो गया था, तो इसको अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। और ये 2 वर्तमान में हम कह सकते हैं, इन पे भी होने वाले समय में, लेकिन उतना थोड़ा कम हो गया आजकल, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी, लिखना इसको बिल्कुल नहीं है, केवल समझना था, ठीक है। अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? पहले कौन सा केस आता है? साबानो केस, भारत संघवाद 1985 का है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि मुस्लिम पुरुष जो है उनके द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने पर गुजारा बता देना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना आपको, ये केस ध्यान में रखना है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बने हैं और नेक्स्ट बार भी आप इसमें ध्यान रखें। और इसके पश्चात राजीव गांधी सरकार के द्वारा CRPC की धारा जीत जो थी 125 उसमें करेक्शन किया गया, और इसमें कहा गया कि मुस्लिम पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को अगर तलाक देता है तो उनको गुजारा बता नहीं देना होगा। लेकिन इस पे महिलाओं ने फिर विरोध किया। फिर एक केस और आता है 2017 का है, ये है सायरा बानो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 तलाक जो है ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया, कि यह अवैध है, गैर कानूनी है। अगर कोई अब भी करता है तो मुस्लिम महिला को जो है, मतलब मुस्लिम पुरुष है जो महिला को अगर अपनी पत्नी को तलाक देता है
तो उनको गुजारा बता देना होगा। ठीक है, वर्तमान में ये है, अवैध है, और अगर कोई देता भी है तो क्या होता है, उनको गुजारा बता देना होगा। 44वां जो अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको लिख लो आप। आवाज आ रही है ना अच्छे से? नोट कर लो इसको। आवाज वगैरह कोई इश्यू तो नहीं है ना? अगर कोई इश्यू हो तो आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसको लिखो आप, अनुच्छेद 44। पहले इसमें हेडिंग लगा दो, मूल बात यही है कि भारत के राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू किया जाना। क्योंकि प्रश्न आपका डायरेक्ट बन सकता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू किया जाना किस आर्टिकल से संबंधित है? किस आर्टिकल से संबंधित है भाई? ये आपके अनुच्छेद 44 से संबंधित है, अनुच्छेद 44। ठीक है, फिर लिखो इसमें पहला बिंदु कि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए एक जैसे सामाजिक व धार्मिक नियम बनाना क्या कहलाती है? समान नागरिक संहिता कहलाती है। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता है वो है गोवा। ऐसे लिखो, भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिख दो, सा बानो बनाम भारत संघवाद 1985। सा बानो बनाम, बनाम का मतलब वर्षेज होता है, ठीक है, पक्ष विपक्ष। भारत संघवाद 1985 कोष्टक में लिख दो। इसमें लिखो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया, या ऐसे लिख दो, उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने पर गुजारा बता देना होगा। क्या कहा गया? कि मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने पर गुजारा बता देना होगा। इसके बाद राजीव गांधी सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 में संशोधन किया गया और मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देने पर गुजारा बता नहीं देना होगा। ये कब की बात है? राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम में सीआरपीसी की धारा 125 में करेक्शन किया गया और ये कहा गया कि मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देने पर गुजारा बता उनको बिल्कुल नहीं देना होगा। फिर एक केस आता है 2017 का है, इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साइरा बानो केस 2017, उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर इसके बाद में ऐसे करके लिख दो, 3 तलाक में मुस्लिम महिलाओं को गुजारा बता देना होगा। 3 तलाक में मुस्लिम महिलाओं को, अब आपको पूछा जा सकता है कि 3 तलाक को अवैध घोषित किस केस के बाद में किया गया, बताओ? इसमें आपको ऑप्शन क्या राइट होगा आपका, साइरा बानो केस कब का है? 2017 का। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? हाँ, ये लिख लो, 3 तलाक में मुस्लिम महिला को गुजारा बता देना होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 45। अब इसको पहले समझने की कोशिश करें। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि प्रारंभिक शैशवावस्था में राज्य द्वारा देखरेख तथा शिक्षा संबंधी उपबंध करना। प्रारंभिक शैशवावस्था, इसमें बालक की देखरेख मान लीजिए और उसके बाद में शिक्षा संबंधी जो भी उपबंध कराना, ये किस आर्टिकल में उल्लेखित है भाई? ये आपके, हम कह सकते हैं, भाग 4 संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 45 के अंदर उल्लेखित किया गया है, उल्लेख किया गया है। और इसमें बात नोट करके आप एक चीज़ लिख लीजिए कि अनुच्छेद जो 45 में मूल संविधान के अंदर, उनके तहत अगर बात करें तो जो आयु है वो 6 से 14 वर्ष थी, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसमें कुछ संशोधन किया गया, उसको बदल करके ये रखा गया कि जन्म से 6 वर्ष कर दी,
उस आयु को कितना रख दिया? जन्म से 6 वर्ष। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो अनुच्छेद 45 ये कहता है कि शेषावस्था जो होती है बच्चे की, उसमें राज्य के द्वारा उस बच्चे की देखरेख की जाती है, और उसके बाद में शिक्षा का उपबंध भी राज्य उसमें करवाता है। किस प्रकार से कराता है ये हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व के अनुसार अगर बात करें तो, पहले ये जो अनुच्छेद 45 में है, पहले ये सिस्टम था कि जो मूल संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु रखी गई थी, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु थी। और उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये जो हम कह सकते हैं आयु वर्ग को बदल करके जन्म से 6 वर्ष रख दिया। अब इसमें क्या करती है सरकार, देखो हम बात करें जन्म से 6 वर्ष, अब क्या करती है जन्म से 6 वर्ष, 6 वर्ष के बाद में यानी छठा जो वर्ष है इसमें बच्चा कहाँ चला जाता है? स्कूल में, ठीक है, छठे वर्ष में स्कूल में चला जाता है। और छठे वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक बच्चा कहाँ रहता है भाई? आंगनबाड़ी नहीं होती है क्या? आंगनबाड़ी। तो सरकार किसकी व्यवस्था करती है? आंगनबाड़ी में उनका हम कह सकते हैं उनकी देखरेख भी होती है, प्लस उनकी शिक्षा भी वहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में है जो कि बच्चा स्कूल में चला जाता है, लेकिन ये पहले कहाँ से कहाँ तक था? 6 से 14 वर्ष तक उनकी देखरेख प्लस शिक्षा का जो उपबंध है वो सरकार करवाती थी, ठीक है, राज्य करवाता था। और अब आंगनबाड़ी में है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसके बाद में अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। आपने आंगनबाड़ी का पौष्टिक आहार कभी लिया है? वो मक्की का आटा वगैरह था ना, उनको तोए पे भून के खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। आंगनबाड़ी जाना तो बहुत अच्छा लगा था, मैं तो कभी नहीं गया था, एक बार ही गया था, फर्स्ट और लास्ट मेरा एक ही दिन था आंगनबाड़ी में, कभी गए नहीं। उस टाइम मैं किसी बच्चों के साथ में गया था, बहुत ऐसे लगा था कि मैं कहाँ आ गया, गया तो गांव में था लेकिन कभी बाहर ऐसे गया ही नहीं था किसी के साथ में। तो आंगनबाड़ी की मैंने हम कह सकते हैं मज़े नहीं लिए हैं। तो अनुच्छेद 46 के अंदर बात करें तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति जो SC ST वर्ग है वह दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा व अर्थ संबंधी, अर्थ का मतलब इनकम सोर्स से संबंधित उपाय जो है राज्य के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। SC ST जो भी दुर्बल वर्ग है उनके लिए शिक्षा और इनकम संबंधी जो आर्थिक स्थिति की बात करें उनके लिए जो उपाय है वो राज्य के द्वारा किए जाएंगे। राज्य के द्वारा इन वर्गों को सामाजिक अन्याय व शोषण से संरक्षण किया जाएगा, कौन करेगा? राज्य करेगा। किसी प्रकार से इनके ऊपर हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से अन्याय हो रहा है तो उस पर भी राज्य ध्यान देगा, किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है समाज पे तो उस पर राज्य ध्यान देगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोट करके आपको लिखनी है कि शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं। एक तो 41 है, एक 45 है, एक 46 है। तो आपका प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन सा आर्टिकल जो शिक्षा से संबंधित है, तो उनमें आपका इन तीनों में से एक होगा, एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 41 या 45 या 46। अगर पूछ ले इनमें से कौन सा एक शिक्षा से संबंधित आर्टिकल नहीं है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दे दूँ 40 दे दूँ तो ये हमारा राइट हो जाएगा, बाकी तीन शिक्षा से संबंधित है। तो अब ये देखो यहाँ पे बात करते हैं 45 की, शिक्षा काम भावना की जो हम कह सकते हैं 41-45 बात करता है, इसमें बात आती है ना शिक्षा से, शिक्षा संबंधी उपबंध सरकार कराएगी, तो ये 45 भी हो गया। 46 भी हम बात कर सकते हैं किससे संबंधित है, इसमें भी आपकी है जो कि ये शिक्षा से संबंधित हो गया, और एक शिक्षा काम मनोभावना की जो हम कह सकते हैं 41वां भी आपका शिक्षा से संबंधित है ना।
तो इनको भी आप लिख लो, नोट करो पहले। चालीसवा अनुच्छेद किसका है, किनका आर्टिकल? महात्मा गांधी का। नोट करो इनको। लिख लिया। चलो ये लिख दिया ना आपने यहाँ तक, शिक्षा से संबंधित 45, 46 और 41। 41 काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करते हैं, और ये हो गया 47 नंबर की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 के अंदर क्या दिया गया है, पोषण व जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य का अधिकार। पोषण व जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य का अधिकार का उपबंध किस में किया गया है, अनुच्छेद 47 में। यानी राज्य जो है मादक पदार्थ व औषधियों प्रयोजन भिन्न, जो हम कह सकते हैं हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। अब इसमें हम कह सकते हैं कौन से मादक पदार्थ आते हैं, जैसे आपके शराब है, ठीक है, गांजा है, अफीम है, डोडा वगैरह जो भी है ना मादक पदार्थ, तो इन पे सरकार जो है वो प्रतिबंध लगाएगी। और इसको क्या जड़ी बूटी हम कह सकते हैं, दवाई के रूप में ले सकते हैं क्या, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या। इन मादक पदार्थों को, इन मादक पदार्थ क्या होता है, जिनके अंदर क्या होता है, नशीली चीज़ें आती है, ठीक है, नशीली पदार्थ जो भी हम बात की थी, डोडा पोस्ट अफीम जो गांजा शराब जो भी है ना, तो ये इसमें आते हैं। और जो हानिकारक ये जो पदार्थ है इन पे क्या है, सरकार रोक लगाएगी। ये आर्टिकल कौन बात करता है, अनुच्छेद 46 बात करती है। और इनको औषधियों के रूप में यूज कर सकते हैं, आप अफीम वगैरह की हम तो क्या कर रहे हैं, औषधि के रूप में, दवाई के रूप में। कई बार कई शराब पीते कहते हैं ना, मैंने तो दवाई के रूप में, खांसी ज़्यादा आ रही थी इसलिए लिए ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो अब बताओ मेरे को कि इनको दवाई के रूप में, औषधि के रूप में काम में ले सकते। देखो इनको औषधि के रूप में काम में ले सकते, लेकिन वो औषधि किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए बताओ, वो हम कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई जानी चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से बनाई जानी चाहिए, इसलिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 48 बात करता है, 48 कि कृषि व पशुपालन का आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगा, कौन करेगा, राज्य,
राज्य जो है कृषि से संबंधित और पशुपालक का आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगा। अब संवर्धन करेगा किस प्रकार से करेगा, जैसे कि कृषि के अंदर बात करें तो कृषि के लिए सरकार जो है वो अच्छे किस्म के जो हम कह सकते हैं बीज वगैरह हमें प्रोवाइड कराती है ना, बीज देती है ना। जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो कई बार जो मोटे बाजरे का बीज आता है, कभी मूंग वगैरह वितरित करती है सरकार, ताकि उनकी जो फसल है अच्छी हो सके, उनकी किस्म अच्छी हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से, या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रकार से किसी फसल के अंदर कोई कीड़ा लग गया, ठीक है, तो कीड़ा लग गया तो उसमें सरकार दवाई वगैरह देती है ना, तो वो भी क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें कृषि में विकास हो रहा है, विकास के लिए वैज्ञानिक तरीकों को वहाँ पे है जो कि अपनाया जाता है, ठीक है। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन के लिए उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टि से जो पशुओं के लिए शुद्ध शाकाहारी व कौन सी घास का वहाँ पे उगाई जानी चाहिए, ताकि उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर जैसे लंपी वगैरह कोई एक आपदा आई थी एक तरह से पीछे, जो दुधारू पशु है गाय, गाय की थी ज़्यादातर ये, ठीक है, तो गाय में किसी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है, तो उस बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य क्या करता है, सरकार की बात कर रहे हैं हम, राज्य उस पर कुछ उनको दवाइयाँ वगैरह हम कह सकते हैं उनको वितरित करता है, और किसी न किसी प्रकार से हम कह सकते हैं उनकी रोक लगाता है उस पर ना, जो भी बीमारी है उसको रोकता है और वैज्ञानिक दृष्टि से हम कह सकते हैं उनमें विकास करता है, ठीक है। और मुख्य रूप से हम बात करें इसमें कौन कौन से जो पशु आ जाते हैं, कौन कौन से जानवर आते हैं, तो विशेषतः अगर बात करें तो जैसे इसमें गाय है, किस पे ये पशुपालन की बात करें तो इसमें भैंस वगैरह नहीं है, ठीक है, तो इसमें गाय है, बछड़े है, गाय बछड़े दुधारू, दुधारू के अंदर आपके जो गाय भैंस दोनों आ जाते हैं ना, और वाहक पशु जो कॉमर्शियल पशु होते हैं, जैसे मतलब बैलगाड़ी वगैरह ऊंट वगैरह ना, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें अगर पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालक व आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से विकास जो करेगा इसमें कौन कौन से पशु आते हैं, तो गाय बछड़े दुधारू व वाहक पशु, इन चार बिंदु का बात की गई है, ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, चलो अनुच्छेद 48 ए बात करता है, ये कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 48 ए बात करता है कि पर्यावरण एवं वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण व संवर्धन, संवर्धन का मतलब विकास, उसमें किसी न किसी प्रकार से उसको बढ़ावा देना। तो ये जो प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के अंदर डाला गया है, अनुच्छेद कब जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्या इसमें रखा गया था कि पर्यावरण व वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण व संवर्धन किया जाए। अब लिखोगे यहाँ तक, ये जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे जो चीज़ें वो आपके केवल समझने के लिए, बाकी नोट्स आपके लिए इतना सफिशियंट है, ये जो लिखा हुआ है पीपीटी के माध्यम से ये आपके लिए बेहतरीन है, नोट्स लिखो इसको, क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 47 पोषण व जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य का अधिकार, कि राज्य जो है वो मादक पेय पदार्थों तथा औषधियों प्रयोजन भिन्न हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। और अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि व पशुपालन का आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगा, और इसमें लिख लो किस किन का किन किन का विकास करेगा, पशुपालन में गायों बछड़ों दुधारू व वाहक पशुओं को, वाहक जो वाहन चलाने वाले गाड़ी जिनके जोतते हैं, संरक्षण प्रदान करेगा।
फिर अनुच्छेद 48A लिख लो, किसकी बात करता है ये? पर्यावरण व वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण व संवर्धन करेगा, संरक्षण भी करेगा, इनकी सुरक्षा भी करेगा, प्लस इनमें विकास करने के लिए भी किसी प्रकार से सहायता करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, लिख दो संविधान में ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लिख लिया यहाँ तक? चलो इसके बाद में लिखो आप, समझते हैं पहले आर्टिकल 49 किसको पढ़ेंगे, अनुच्छेद 49 को। इसमें देखो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य का मतलब भारत के स्तर पर है तो कौन हो गया राज्य? संसद। ठीक है, संसद के द्वारा किसी स्मारक, किसी स्थान को, किसी वस्तु को ऐतिहासिक या कलात्मक आधार पर उनको क्या घोषित कर दिया जा सकता है? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जा सकता है। अब देखो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि संसद जो है किसी राज्य पे, किसी क्षेत्र को क्या कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। क्या स्थिति क्या रहेगी? इन दो स्थिति रहेगी, एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से को अनूठी पहचान होती है इसकी, तब कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज कलात्मक, अगर उसमें कोई अच्छी कला देखने को मिल रही है तो उसको ऐतिहासिक दृष्टि या कलात्मक दृष्टि से जो संसद है वह किसी स्मारक को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को क्या कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। समझ गए यहाँ तक? समझ में आई ना ये बात? कोई चीज़ है, आप कोई स्थान है आपके गांव के आसपास जो कोई अनूठी पहचान दिला रहा है, तो उसको संसद में अपील करते हैं या कोर्ट में करें कि उनको राष्ट्रीय महत्व की घोषित करें ताकि वहाँ पे लोग उनको देखने आए पर्यटक बनके। ठीक है, और अनुच्छेद 50 के अंदर बात करें तो कार्यपालिका व न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण। तो अनुच्छेद 50 जो बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का जो पृथक्करण है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, इनको ये आपको लिखना, केवल ये इतनी एक लाइन है, बाकी समझने की कोशिश करते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। ये समझ में आ गया ना 49 वाला? अब हम समझते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण जो है वो किस प्रकार से होता है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो उनका पृथक्करण किस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें देखो सरकार का तीन अंग है, कौन कौन से? देखो एक तो है कार्यपालिका, एक हो गई व्यवस्थापिका और एक है न्यायपालिका। ठीक है, अब तीनों का काम, इनके अंदर देखो व्यवस्थापिका में कौन आ जाती है? संसद आ जाती है। इनका काम क्या है पहले ये बात करें, इनका काम है कानून का निर्माण करना, कानून निर्माण, ये कानून निर्माण करती है, ये कानून को लागू करती है, कानून को लागू करने का काम है इनका, और ये क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है। ये उस पर व्याख्या करता है। अब इसमें कौन आते हैं? इसके अंदर आती है संसद। व्यवस्थापिका में कौन आते हैं? संसद। कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका में जो होते हैं वो संसद के सदस्य, आपके व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। और अब इसमें बात करें कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और कौन आते हैं इसमें? मंत्रिपरिषद, और ये हो गई आपके वास्तविक कार्यपालिका, और इसमें राष्ट्रपति को भी इसमें रखा जाता है।
ये कैसी कार्य, ये नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र, ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी ये भी आपके जो कार्यपालिका में होता है, कार्यपालिका का अंग है। राष्ट्रपति मूल रूप से, इसमें प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद होती है, और इसमें है जो कि व्यवस्थापिका में कानून का निर्माण जो करती है संसद करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, उनकी समीक्षा करती है, उनकी व्याख्या करती है, ठीक है। तो कानून की व्याख्या कौन करती है, न्यायपालिका। इसमें कौन आता है भाई, इसमें आता है हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी ये तीनों अंग होते हैं ना सरकार के, हाई कोर्ट में भी, सॉरी हाई कोर्ट क्या, राज्य सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर आपके जैसे हाई कोर्ट हो गया, व्यवस्थापिका के अंदर कौन हो जाते हैं, विधानमंडल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सीएम हो जाता है प्लस मंत्रिपरिषद, और नाम मात्र के अंदर राज्यपाल हो जाता है, ठीक है। इन तीनों का काम अलग अलग है ना, ये किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, किस आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका में शक्तियों का जो पृथक्करण है। देखिए किसके बारे में बताया गया है, कार्यपालिका व न्यायपालिका। देखो इसका काम क्या है, कानून की व्याख्या करना, और इनका काम है कानून को लागू करना, बनाना किसका काम है, व्यवस्थापिका का। इसलिए इनका और न्यायपालिका का जो कानून, हम कह सकते हैं काम की जो व्याख्या करना है, सॉरी हम कह सकते हैं इन दोनों का जो काम है, उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं इन दोनों की, वो पृथक है ना, वो व्याख्या करता है तो ये लागू करता है, शक्तियों दोनों के भिन्न भिन्न है ना, इसलिए ये अनुच्छेद 50 जो है वो ये चीज़ सिद्ध करता है, ठीक है। ये चीज़ लिखने नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पहले आपको ये चीज़ लिखनी है, वो लिखनी नहीं है, चलो ठीक है ना। 50, अनुच्छेद 50 समझ में आ गया। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा राज्य, फिर इन तीनों को साथ में लिख लेना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का काम कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। राज्य का मतलब संसद हो सकती है, राज्य सरकार के अंदर बात कर सकते हैं, राज्य हो सकता है, और आपके जो स्थानीय सरकार की भी बात कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, तो कौन करेगा, राज्य का मतलब संसद है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये चार जो पॉइंट है, चार बिंदु है, चारों को सीक्वेंस ध्यान में रखना है, पूछ सकते हैं कि इसमें से पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था ना, तो इनको याद में रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 51 में पहला ये है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कौन करेगा, राज्य करेगा। दूसरा है, इनको नंबर वाइज ध्यान में रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सम्मानजनक व न्याय संगत होना, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, कई बार हम क्या करते हैं, किसी दो देशों के बीच में जो समझौता करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बीच के अंदर किसी एक महाशक्ति को रखते हैं, ठीक है। जैसे इधर कोई देश हो गया और इधर भी कोई देश हो गया, और ये दोनों बीच में क्या कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कोई समझौता कर रहे हैं या कोई संधि कर रहे हैं, ठीक है, समझौता कर रहे हैं मानो, तो इसमें हम बात करें बीच में किसी एक महाशक्ति को रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है कि ये मानो कि कोई एक देश है, इन दोनों के बीच में जैसे हम बात कर सकते हैं, आपकी सिंधु नदी है, मानो किसी के बारे में बात कर लो कि भाई इसका पानी आप यूज कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते हो, या फिर उसके लिए कुछ शर्तें रखी जाती है, फिर क्या होता है कि, या फिर कर सकते हैं कि आप बिना बताए हम पे हमला नहीं कर सकते, फिर अगर वो उस संधि का उल्लंघन करते तो सीधा ये जो उल्लंघन जो करते हैं उनके खिलाफ कौन जाता है, दूसरा देश है जो कि महाशक्ति को कहता है कि भाई देखो ये हमने संधि की थी, हमने समझौता किया था, अब वो देखो हमारे जो हमने संधि की थी उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए एक बीच में किसी एक महाशक्ति को रखा जाता है। तो ये काम पे बात है भाई, देखो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण इसी मध्यस्थम के माध्यम से करेगा, मध्यस्थम का मतलब मध्य, मध्य में कोई बीच में एक कड़ी जो महाशक्ति होती है उनको रखा जाता है, कोई छोटे देश को थोड़ी रखा जाता है। देखो तीनों को सीक्वेंस ध्यान में रखना है। तीसरा है,
अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर भाव रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उनके प्रति आदर भाव रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण इसी मध्यस्थम के माध्यम से करेगा, ठीक है, किसी को बीच में मध्य कड़ी बना करके उसमें ये काम करेगा, ठीक है। अब लिख लो इन तीनों को, बोलने की जरूरत है क्या दोबारा? आर्टिकल पूरे हो गए ना, 36 से 51। डीपीएसपी है, लिखो इसमें अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक सह स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, जिसमें संसद के द्वारा किसी सह स्मारक स्मारक स्थान व वस्तुओं को ऐतिहासिक व कलात्मक आधार पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, और वो चीज़ जो मैंने आपको पृथक करके बताया वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लिखना ही है वो चीज़ वैसे समझ लिया है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कौन करेगा? राज्य, देश करके राज्य लिख दो। फिर पहला बिंदु अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सम्मानजनक व न्याय संगत होना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर भाव रखना, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण जो है मध्यस्थम के माध्यम से किया जाएगा। लिख लिया। अब बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 51 कंप्लीट हो गए ना, देखो मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है, तुलना करते हैं एक तरह से। देखो ये क्या है, व्यक्ति के मूल अधिकार है, ये क्या है मूल अधिकार, ये भी अधिकार है, लेकिन ये हम कह सकते हैं व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत जिसको हम वैश्विक कह सकते हैं, और ये होते हैं सामाजिक रूप से यानी सबके लिए काम सामूहिक रूप से होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होते। इसलिए बात करें तो मूल अधिकार कौन से होते हैं जिनका हम कह सकते हैं उल्लेख भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हम पढ़ते हैं और ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में हम मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। हालांकि पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पहले ये दो जो टॉपिक, एक तो आपके मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दो छोटे टॉपिक थे इसलिए इनको कंप्लीट करवा दिया। और देखो ये यूएसए से प्रभावित है, यानी मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए से, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये वाद योग्य है, इसमें इनके उल्लंघन पर व्यक्ति वाद कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कोर्ट में, ये व्यक्ति के अधिकार है, क्या है दोस्तों? व्यक्ति के अधिकार है। ये नकारात्मक है, इसमें नहीं प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है कि ये काम नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते ना,
ये राजनीतिक बात करता है। कैसी बात करता है? मूल अधिकार राजनीतिक बात करता है। ये व्यक्तित्व के रूप में हम कह सकते हैं दर्शाए गए, ये व्यक्तिगत होते हैं। इसकी बात करें डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये भाग चार के अंदर उल्लेखित है। अनुच्छेद इसके देखने को मिलते हैं 36 से 51, जो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए भाई? सोवियत संघ रूस से लिए गए, है ना। ये अवाद योग्य है, इस पर किसी भी प्रकार का इनके उल्लंघन पर व्यक्ति वाद नहीं कर सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। राज्य के कर्तव्य हैं और व्यक्ति के अधिकार हैं, ये व्यक्ति के अधिकार हैं और राज्य के कर्तव्य हैं, लेकिन इनके लिए व्यक्ति लड़ नहीं सकता कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि ये अवाद योग्य है। ठीक है, ये सकारात्मक है और ये सामाजिक व आर्थिक है। ठीक है, सामाजिक रूप में इसमें है जो कि ध्यान दिया जाता है, कुछ योजनाएं चलाई जाती है समाज को का उत्थान के लिए, और इसमें कल्याणकारी की भावना है, जनता का कल्याण किया जाता है। जैसे सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है, उसमें जनता का कल्याण करते हैं। और सामाजिक का मतलब ये हम कह सकते हैं सबकी बात करता है। ठीक है, चाहे वह राज्य के अंदर धर्म होता है, चाहे वह हम कह सकते हैं शिक्षा से संबंधित मानो, किसी भी प्रकार से हम इसके लिए, चाहे कोई ऐसा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, सबके लिए अलग अलग योजना वगैरह बना करके ये सबका यानी जनता का कल्याण करती है। ये कैसा है? समावष्टि, समष्टि यानी सबके लिए काम करती है। ठीक है, ये व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर किस व्यक्तियों के लिए होते हैं ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये वैसे हम लोगों ने कल के सेशन बात की थी, लेकिन लिखवाया नहीं था, लिख लो ये दोनों के बीच में जो किस प्रकार से तुलना है, ये लिख लो आप। मूल अधिकार एक तरफ, दूसरी तरफ लिखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लिख लिया। इसके बाद में बात करेंगे हम जो 36 से 51 तक जो आर्टिकल है, उसमें कुछ जो आर्टिकल जोड़े गए थे ना, जैसे 48 ए है, बी है ना, किन किन संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ेगी, इनके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। और फिर नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो विभिन्न विद्वानों के जो मत है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने जो राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको क्या कहा था कि संविधान की अनोखी विशेषता है। लिख लिया क्या? ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आपके संविधान संशोधन व नीति निदेशक तत्व में जो अनुच्छेद जो जोड़े गए थे, कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लिया आपने। इसके बाद में बात करते हैं, यह चीज़ पहले समझने की कोशिश करें कि संविधान संशोधन व नीति निदेशक तत्व जो है, कौन कौन से नीति निदेशक तत्व में कौन कौन से जो आर्टिकल हैं, वो किन संशोधनों के द्वारा जोड़े गए। तो एक तरफ लिखना है आपको संविधान संशोधन, दूसरी तरफ लिखना है अनुच्छेद जो नए जोड़े गए थे, किसमें? डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो पहले बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए नीति निदेशक तत्व में। एक तो 39A जोड़ा गया, और एक 43A, और एक 48A। ठीक है,
ये तीन अनुच्छेद जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 38(2) क्लोज टू, 38 का क्लोज टू जोड़ा गया, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 45 को संशोधित किया गया। कैसे किया गया? मूल संविधान में हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा व देखरेख के लिए कितनी आयु रखी गई थी, 6 से 14 वर्ष, और इसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या संशोधन किया गया दोस्तों, जन्म से 6 वर्ष। तो केवल क्या किया गया, किस से संबंधित ये आर्टिकल है, शिक्षा से संबंधित। तो इसमें मूल संविधान की बात की गई थी, तो मूल संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु थी, यानी शेष अवस्था में बालक की देखरेख और उनकी शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। उसमें संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कि जन्म से 6 वर्ष की आयु रखी गई थी, ठीक है। फिर आता है 97वां संविधान संशोधन, जिसमें 43(b) को जोड़ा गया, और 43(a) को कहाँ जोड़ा गया था, आपके 42वें संविधान संशोधन में। तो ये DPSP के लिए हम बात कर सकते हैं, 4 मुख्य संविधान संशोधन है। फिर बात करते हैं, हम नई हेडिंग लगानी आपको, ये लिख लो पहले, यहाँ तक ये दिख रहा है ना, अच्छे से लिख लो। फिर बात करते हैं नीति निदेशक तत्वों के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत, ठीक है। तो इसमें लिखना आपको पहले, भीमराव अंबेडकर ने, शॉर्ट में लिख दो, राज्य के नीति निदेशक बार बार नहीं लिख पाओगे। तो भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक यानी DPSP को क्या कहा, संविधान की अनोखी विशेषता। क्या ये संविधान की अनोखी विशेषता है? और ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार DPSP और मूल अधिकार, इन दोनों को हम कह सकते हैं, यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो संविधान की क्या कहलाती है, अंतरात्मा। ये बात किसने की थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान का प्राण सार है, इनकी आत्मा है। क्या है? संविधान का प्राण सार है। और इन्होंने तो राह निकाल दी कृष्णमाचार्य ने, ठीक है, ठीक कृष्णमाचार्य क्या, इन्होंने क्या कहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रमाणित करने योग्य कूड़ागर है। कैसे है कि कूड़े में डाल दो इनको, कचरा पात्र है ना। कृष्णमाचारी के बराबर में लिख दो, DPSP प्रमाणित करने योग्य कूड़ागर है। फिर आता है एक विद्वान जिनका नाम है आइवर जेनिंग्स, इसने कहा था कि पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा। क्या ये पुण्यात्मा लोगों, जो लोग चले गए यहाँ से, पूर्व के जो लोग थे, ये क्या है, पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा, जिन्हें हम क्या और क्या कह सकते हैं, या पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा व फेबियन समाजवाद, जो यहाँ से लोग चले गए उनको क्या कह सकते हैं हम, फेबियन समाजवाद, लिखो पहले यहाँ तक। फिर क्या करते हैं हम, समाजवाद को उसका विभाजन करके पढ़ लेते हैं, लिख लिया यहाँ तक, हेडिंग लगाओ संविधान संशोधन व नीति निदेशक तत्व, इधर संविधान संशोधन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से जोड़े गए अनुच्छेद 39A, 43A, 48A, फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 38(2), 86वें बराबर इसमें लिख दो 45वें को संशोधित किया गया, 97वें बराबर है जो कि 43(b), फिर नीति निदेशक तत्वों के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत, भीमराव अंबेडकर ने DPSP को संविधान की अनोखी विशेषता कहा, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार और DPSP इन दोनों को क्या कहा, संविधान की अंतरात्मा। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा DPSP संविधान की क्या है, अंतरात्मा, प्राण सार है, ठीक है। कृष्णमाचारी ने कहा कि DPSP प्रमाणित करने योग्य कूड़ागर है। आइवर जेनिंग्स ने कहा पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा है, वह फेबियन समाजवाद से संबंधित, लिख लिए यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, नीति निदेशक
तत्वों के तीन भागों में बांटा गया है। इनको तीन भागों में अगर हम बांटे, किसे बांटेंगे? क्योंकि जो समाजवाद है जो आपके, ठीक है, इनको तीन भागों में अगर हम बांटे फेबियन समाजवाद को, तो इसमें कई सारे जो उदारवाद लोग थे उनकी विचारधारा की बात करें हम, ठीक है, तो उदारवाद विचारधारा, दूसरी बात करेंगे समाजवाद विचारधारा से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, कौन से प्रावधान हैं, ठीक है, कौन से जो आपके हम बात कर सकते हैं, और एक गांधीवाद। तो अनुच्छेद एक तो है इसमें 38 हैं, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और 44, इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो किन से संबंधित है दोस्तों? वह हम कह सकते हैं आपके उदारवाद से संबंधित माने जाते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं समान नागरिक संहिता है, और राज्यों को निर्देश हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सभी विचारधाराएं उदारवाद कहलाती है, ठीक है, ये विचारधाराएं। और जो हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 38 के अंदर जो उल्लेखित है, 39, 42 और 44 और 43 के अंदर जो उल्लेखित है, सारी की सारी विशेषता जो है उदारवाद कहलाती है, ठीक है। और समाजवाद के अंदर बात करें अनुच्छेद 41 है, 42 है और 43, ये किसके लिए बात करते हैं? समाजवाद का मतलब जैसे जनता की सहायता है, लोक सहायता, ये किस प्रकार की हम कह सकते हैं विचारधारा है समाजवाद की। ऐसा भी हो सकता है कि जो समाजवाद की वो गांधीवाद भी हो सकती है, गांधीवाद की वो समाजवाद भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो किस में शामिल होती है? लोक सहायता है, मजदूरों के लिए, ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं समाजवाद की है। शिक्षा सहायता है, ये भी किसके लिए है? समाजवाद यानी जनता के लिए। इस प्रकार की विषय जो विचारधाराएं समाजवाद में शामिल होती है, ये भी समझ में आ गया। और इसमें पूछ सकते हैं समाजवाद से संबंधित आर्टिकल है आपके कौन कौन से, 41, 42 और 43। गांधीवाद से संबंधित है आपके पहला अनुच्छेद जो महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहलाता है, 40। किसके बारे में बात करता है ये? ग्रामीण स्तर सरकार का, पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज सरकार की बात करता है। 46 हो गया, 47 और आर्टिकल 48। और जैसे हम कह सकते हैं इसमें गांव से संबंधित जो आपके प्रावधान है, गांव है जिसमें पशु आते हैं, नशीले पदार्थ जिसमें अभी हम बात कर रहे थे आपके जो 46, 47, 48 आज की क्लास में जो भी आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े हैं, मादक पदार्थ है, ठीक है, और वन्य जीव से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, पशुपालक से संबंधित है, ये जो भी आर्टिकल हैं वो सब किसके से संबंधित है? गांधीवाद विचारधारा से संबंधित माने गए हैं। तो ये इतना और लिख लो आप, उसके बाद में हमारा टॉपिक ये हो जाता है कंप्लीट। अब लिखो, पहले आप हेडिंग लगाओ, नीति निर्देशक तत्वों को तीन भागों में बांटा है। नीति निर्देशक तत्वों को तीन भागों में बांटा है, तीन विचारधारा के रूप में बांटा है, और इसमें उदारवाद अनुच्छेद 38, 39 और 42, 43, 44, जिसमें मैंने पॉइंट लगा के लिख दो, समान नागरिक संहिता, राज्यों को निर्देश और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, कॉस्टम लिख दो, सभी विचारधाराएं किससे संबंधित है? उदारवाद कहलाती है। लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट है समाजवाद। समाजवाद में अनुच्छेद 41, 42 और 43 है, जिसमें लोक सहायता, मजदूरों के लिए जो अवकाश वगैरह सांस्कृतिक अवसर पर, और शिक्षा सहायता, इस प्रकार की विचारधाराएं जो है समाजवाद में शामिल होती है। फिर आता आपके गांधीवाद। गांधीवाद में अनुच्छेद, चार अनुच्छेद लिख लो आप, 40, 46, 47 और 48, जिसमें लिख दो गांव से संबंधित, गांव लिख दो, पशु लिख दो, पशु से संबंधित जो प्रावधान है, और नशीले पदार्थ यानी मादक पदार्थ जो है, और वन्य जीव है, कृषि, इनसे संबंधित आर्टिकल क्या कहलाते हैं, किस में रखे जाते हैं? गांधीवाद में। लिख लिए यहाँ तक,
ये लिख लो जल्दी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, और इसके बाद में जैसे आज की हमारी ये क्लास यानी आपके जो नीति निर्देशक तत्व है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है दो क्लास के अंदर। लगभग आपकी डेढ़ डेढ़ घंटे क्लास दोनों हो जाती है, और 3 घंटे में मतलब मैंने राज्य के नीति निर्देशक आपको तत्व जो है कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद में मूल अधिकार थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो कल से हम कोशिश करेंगे मूल अधिकार की क्लास लेकर के आऊँगा, और मूल अधिकार जैसे ही कंप्लीट होते हैं फिर उसके बाद में हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही शानदार क्लास लगी होगी, आपके लिए खूब मेहनत करता हूँ मैं, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने दिल से पूछ लीजिए। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए राम राम।